अगली बड़ी जानकारी रीवा से आपको बताएं, जहां युवक की पिटाई हुई है। लाठी डंडों से युवक को मारा गया। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। मामले की जांच पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। पूरा मामला रीवा से जुड़ा हुआ। युवक की पिटाई हुई, लाठी डंडों से युवक पर वार हुए, लेकिन वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। हो सकता है कि पुरानी रंजिश के चलते पूरा विवाद हुआ हो। वजह क्या रही, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। पुलिस की टीम इस मामले में संज्ञान ले चुकी है। युवक को बुरी तरह से मारा गया है, मारपीट हुई है इस व्यक्ति के साथ। जैसे ही खबर पहुंची पुलिस के पास, फौरन पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। लाठी डंडों से युवक को पीटा जा रहा था। रीवा की घटना हम आपको बता रहे हैं, किस वजह से पिटाई हो रही थी इस युवक की, ये अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये जांच का विषय है। पुलिस भी कुछ भी कहने से अभी बच रही है, क्योंकि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, प्राथमिकता ये थी कि इस युवक को बचाया जा सके। लाठी डंडों से इस युवक को बुरी तरह से मारा गया। वीडियो भी सामने आया है, वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। चूंकि गंभीर मामला, इस व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया, वजह का अभी भी खुलासा नहीं कि आखिर किस वजह से ये सब हुआ। ये वीडियो आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग जो एक साथ इस व्यक्ति को लाठी डंडों सहित पीटते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस प्रकार मारपीट इस व्यक्ति के साथ की गई है। पुलिस के संज्ञान में मामला है, क्योंकि वीडियो भी अब पुलिस तक पहुंचा है। तो जितने भी अपराधी नजर आ रहे हैं जो उस व्यक्ति को सरेआम पीट रहे हैं, उनकी भी पहचान हो पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हो सकता है कि फौरन गिरफ्तारी भी इस मामले में हो। तो अपने आप में बड़ा मामला कि सरेआम व्यक्ति की पिटाई की जाती है, वो भी लाठी डंडों सहित आपको नजर आएंगे लोग। और किसी के हाथ में एक लाठी आपको दिखेगी। हो सकता है कि इसके पीछे रंजिश रही हो वजह, लेकिन अभी भी पुख्ता जानकारी नहीं लग पाई है। पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस वजह से इस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, रीवा से हम आपको दिखा रहे हैं। लाठी डंडों से युवक की बुरी तरह से पिटाई की जाती है, वजह का खुलासा नहीं होता है अभी तक कि आखिर किस वजह से ऐसा किया गया। और अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां 20 छात्रों को नोटिस जारी हो चुका है। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी ने नोटिस भेजा है। छात्रों के बीच मारपीट से जुड़ा हुआ पूरा मामला, यूनिवर्सिटी ने मामले को रैगिंग माना है। और पीड़ित छात्रों ने यूजीसी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी। शिकायत के बाद आरजीपीवी ने आरोपी को नोटिस भेजा। कई सारे आरोपी छात्र जो की मारपीट कर रहे थे, 27 दिसंबर को उपस्थित होकर नोटिस का जवाब देना होगा। आरजीपीवी कैंपस में आपस में छात्र भिड़ गए थे, पेपर देने आए, लेकिन पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट होने लगी। अब आपको बताएं कि कार्यकर्ताओं ने भी थाने का घेराव किया था। एबीवीपी की तरफ से भी समर्थन कुछ छात्रों को था। गांधीनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, जवाब पेश करना होगा 27 दिसंबर। तो ये वीडियो हम आपको बता रहे हैं जो इससे पहले सामने आए, इसी के आधार पर संज्ञान। और इंदौर का जिक्र करेंगे, जहां छात्र ने आत्महत्या कर ली है। 5वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। साइंस का पेपर अगले दिन था, लेकिन उससे पहले ही इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी का ये पूरा मामला, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि कैसे और किन परिस्थितियों में इस बच्चे ने आत्महत्या की। बहुत छोटी उम्र है, 5वीं क्लास का छात्र है ये बच्चा। अगले दिन साइंस का पेपर था, उससे पहले आत्महत्या की। क्या वजह रही, किस वजह से ये सब हुआ, परिवार वाले उस दौरान कहां थे, ये कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच लगातार करेगी। और अगली बड़ी जानकारी मंडला से, जहां पर एक हादसा हुआ। NH30 पर माधोपुर के पास की दुर्घटना, जहां स्कूल जा रही एक छात्रा को कार सवार ने बुरी तरह से टक्कर मारी। छात्रा बुरी तरह से घायल हुई। जिला अस्पताल में छात्रा को भर्ती करवाया गया। कार चालक वहां से हालांकि फरार हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए उन गुस्साए लोगों की जिन्होंने सड़क को जाम किया। NH30 की पूरी घटना, पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश दी गई। ये बताया गया कि फौरन आरोपी को पकड़ा जाएगा। लेकिन आक्रोश की तस्वीरें भी आप देखिए, स्कूल जा रही छात्रों को कार ने टक्कर मारी थी, और उसके बाद परिजनों का, अन्य छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा।
और अगली खबर मुरैना से है, जहां भी एक सड़क दुर्घटना हुई है। ट्रक डंपर में जा घुसा, ट्रक चालक केबिन में फंसा रहा। घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक चालक को बाहर निकाला जा सका। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्वालियर की ओर से आगरा की तरफ ट्रक और डंपर जा रहे थे, अचानक ही भिड़ंत हुई। सराय चुगला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर देवपुरी मंदिर के पास की पूरी घटना, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुरी तरह से वाहन क्षतिग्रस्त, सराय चुगला क्षेत्र में दुर्घटना घटी है। मुरैना की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इतना भीषण हादसा के चालक फंस गया था। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला, फिलहाल अस्पताल में इलाजरत। घटनास्थल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, नेशनल हाईवे 44 पर दुर्घटना हुई है, सराय चोला थाना क्षेत्र, नेशनल हाईवे 44 की ये घटना। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। 22 जनवरी को रामलला दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच विराजमान होंगे। मेष लग्न वृषक नवांश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने शुभ मुहूर्त निकाला है। मुहूर्त में 6 ग्रह अनुकूल मिले हैं। भूमि पूजन का भी मुहूर्त उन्होंने ही निकाला था। बताया जा रहा है कि मुहूर्त निकालने में 1 हफ्ते का समय लगा है। आपको ये भी बताएं कि 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी रामलला को मंदिर में विराजमान करते हुए आपको नजर आने वाले। बेहद ही खास अवसर हर देशवासी के लिए 22 जनवरी का इंतजार था और अब समय भी आपके सामने है। दोपहर 12:15 से लेकर 12:45 के बीच ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे। देश विदेश से तमाम मेहमान एक साथ अयोध्या में मौजूद होंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आप देखेंगे। बहुत लंबा अंतराल लगा है, 1 हफ्ते का समय लगा है इस शुभ मुहूर्त को निकालने में। काशी में शुभ मुहूर्त निकाला गया है और प्रधानमंत्री मोदी आपको उसी दौरान नजर आएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, जब भगवान राम को यहां विराजमान किया जाएगा। बाईस जनवरी को दोपहर के समय प्रतिष्ठा के समय मेष लग्न है। मेष लग्न में गुरु है, उस गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर पड़े गुरु की दृष्टि होने से सबके सद्विचार होंगे जो भगवान की सेवा करेंगे और मन की प्रवृत्ति भी अच्छी रहेगी 7वें स्थान में दृष्टि होने से। और 9वें स्थान पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्य होगा, उपासना अच्छी होगी और भाग्योदय होगा, उन्नति होगी। जब भगवान की होगी तो देश की भी होगी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार सदियों के इंतजार की घड़ी खत्म होने के कगार पर 22 जनवरी का सभी को इंतजार है। वहां पर भी भव्य तैयारियां चल रही हैं, इंतजार उस दिन का, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान रामलला को विराजमान करते हुए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।